जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में मकर राशि वालों का राशिफल क्या है, उनके धन की, शरीर की स्थिति, परिवार की स्थिति, नौकरी की स्थिति और व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर के राशिफल के बारे में। पहले स्वास्थ्य के बारे में, देखिए नवंबर के महीने में आप जो भी मकर राशि वाले जातक और जातिकाएँ हैं उनको पैर से संबंधित प्रॉब्लम आपको आने वाली है। शनि व्याय में बैठा है, तो व्याय में बैठा है तो यानी कि एक तो पैर से संबंधित आपको प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी रहेगी, ज़्यादा नहीं। और दूसरा चीज़, आपके ससुराल से कोई रिश्तेदार आपके घर रहने आने वाला है। व्याय में, यदि गोचर में व्याय में अगर शनिदेव विराजमान होते हैं तो आपका कोई ना कोई रिश्तेदार आपके घर के लिए कुछ लंबे समय के लिए रहने आता है, ऐसा योग नवंबर के महीने में बन रहा है। बात करें आपके धन की स्थिति, तो धन की स्थिति सामान्य है, काफ़ी अच्छी है। जैसा आपका सितंबर अक्टूबर चलता आ रहा है वैसा ही नवंबर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में जो राशि आ रही है वो मेष आ रही है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि नवम भाव में बैठे हैं, तो परिवार अच्छा है, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, परिवार में सुख शुभ फल रहेगा, सुख शांति रहेगी, वहाँ पर कोई भी अनर्थ वाली चीज़ नहीं हो रही। हाँ, जो जातक नवंबर में मकर राशि वाले प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उनका मैं ये कहूँगा कि 15 तारीख के बाद शुभ योग बन रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें पति पत्नी के बीच में अच्छा प्यार प्रेम बना रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है। बस ये कि जो नया मेहमान आपके घर में, जो मेहमान आ रहा है उससे थोड़ा सा टेंशन रहेगी, थोड़ी सी टेंशन रहेगी, लेकिन पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्यार रहेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं नवंबर में बताना चाहता हूँ मकर राशि के जातक जातिका को, छठे भाव में राहु प्रवेश कर रहा है, नवंबर में प्रवेश करेगा, और छठे भाव में राहु यानी छल, यानी कि कभी भी आप किसी यात्रा में जाएं तो किसी भी अजनबी व्यक्ति के हाथ का, चाहे उसने भगवा वस्त्र पहना हो, कुछ खाए ना, या कोई भी अजनबी व्यक्ति को कोई राज की बात ना बताए, कुछ छलावा आपके साथ हो सकता है। छठे में जब भी राहु होता है, अष्टम में जब भी गोचर में राहु आता है, तो हम कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं या हमारे साथ छल हो जाता है, इसका ध्यान रखें। बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में कि मकर राशि वालों का नौकरी और व्यापार की बात कर रहे थे, तो नौकरी में प्रमोशन, तो जनरली राशि फल जब आप जानते हैं तो आप प्रमोशन की ही बात सुनेंगे, लेकिन आज आप पहली बार मुझसे डिमोशन की बात करेंगे। सूर्य नीच राशि का बैठा है तो वो प्रमोशन नहीं देगा, डिमोशन देगा। तो कहीं ना कहीं आपके राशि के अंदर एक तो डिमोशन आ रहा है, नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट के होनी चाहिए जितना आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन होगा नहीं, बल्कि कम कटौती होगी। कारण क्या है? सूर्य नीच राशि का बैठा हुआ है। साथ ही साथ व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में भी स्थिति अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी व्यापार में स्थिति बहुत प्रतिकूल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट से कोई लेटर व्यापारी को आएगा, उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, टैक्स से संबंधित दिक्कतें आपको नज़र आएगी, वो आपको शॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। तो ये रहा नवंबर का राशिफल। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।